वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज नोटिफिकेशन। इस डिवाइस में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन नोटिफिकेशन और सभी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन मैनेज कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नोटिफिकेशन में जाइए, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। पहले हम लॉक स्क्रीन पर आने वाला नोटिफिकेशन को मैनेज करना सीखेंगे। यदि आप लॉक स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते हैं तो इसे बंद कर सकते हैं। हाइड और शो कंटेंट। मान लीजिए किसी ने आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज के अंदर क्या लिखा है वो दिखाई देगा। अगर हाइड कंटेंट सेट करेंगे तब व्हाट्सएप का आइकॉन शो होगा लेकिन उसके अंदर जो मैसेज कॉन्टेंट है वो हाइड हो जाएगा। ये सेटिंग्स सभी एप्लीकेशन पर लागू होते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन कॉन्टेंट देखना चाहते हैं लेकिन शो कॉन्टेंट सेट करने के बावजूद काफ़ी सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शो कंटेंट के अंदर एक सेटिंग्स होता है जहां से आप मैनुअली किसी भी एप्लीकेशन का कंटेंट हाइड और शो परमिशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। जिसका परमिशन ऑफ होगा उसका लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कंटेंट दिखाई नहीं देगा। अब यहां से बैक आइए, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल। यहाँ से नोटिफिकेशन लाइट सेट कर सकते हैं। पॉपअप स्टाइल ओपन करने के बाद एज लाइटिंग स्टाइल में जाना है। दोस्तों बाय डिफॉल्ट ये नॉन इफेक्ट सेट रहते हैं। नोटिफिकेशन अलर्ट के लिए अलग अलग लाइट इफेक्ट सेट कर सकते हैं। जब आपके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आएगा ऐसे एक शानदार लाइट इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका कलर भी चेंज होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो कलर सेट रहेगा। इसे चेंज करके अपना पसंदीदा कोई भी कलर रख सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद डन करें। इसके बाद शो इवेंट व्हाइल स्क्रीन इज ऑफ सेटिंग्स को ऑन रखें। इससे क्या होगा, स्क्रीन लाइट ऑफ हो या ऑन, इस तरह कलरफुल लाइट इफेक्ट नोटिफिकेशन आते ही दिख जाएगा। ऐप नोटिफिकेशन, यहाँ से सभी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे ऐप नोटिफिकेशन पहले से ही ऑफ किया हुआ है। अगर इनमें से कोई एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भेजकर आपको परेशान कर रहा है तो उसे बंद कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिन ऐप नोटिफिकेशन की आपको आवश्यकता है उन्हें छोड़कर बाकी सभी ऐप नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। इसके अलावा उस एप्लीकेशन के अंदर जाके नोटिफिकेशन अलर्ट के लिए साउंड एंड वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं या फिर साइलेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन टाइप, यहाँ से लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। बैज, नोटिफिकेशन आने के बाद ऐप आइकन के ऊपर जो बैज शो होता है कितना नोटिफिकेशन आया है उसे बंद कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर जो पॉपअप नोटिफिकेशन आते हैं उसे भी बंद कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह हर एक एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक आइए, इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में जाइए। इस सेटिंग्स के अंदर एक यूजफुल फीचर्स दी गई है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसे टर्न ऑन कर दीजिए। गाइज अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर डिलीट कर देता है या फिर आप गलती से नोटिफिकेशन बार से कोई नोटिफिकेशन हटा देते हैं तब उस मैसेज को या नोटिफिकेशन हिस्ट्री से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।